press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार गाइज, मैं हूं कृष्णकांत और स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे चैनल पे एक बार फिर से, जिसका नाम है कृष्णा व्यूज। हाँ दोस्तों, एक नई मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है जो कि कार्टून मूवी है और इसका नाम है अल्लाहयार एंड द लेजेंड ऑफ मार्खोर। ठीक है, बाकी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मार्खोर तो शायद से एक एनिमल होता है जिसके सींग ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे घूमे होते हैं। ठीक है, और मैंने बहुत मूवी का रिव्यू कर दिया है, बहुत ट्रेलर का रिव्यू किया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैंने एक भी ऐसा नहीं देखा कि पाकिस्तान क्रिएटिविटी में किस तरह की कार्टून्स वगैरह बनाता है और मूवीज़ कार्टून वाली किस तरीके का बना पाता है और कैसा बनाया है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम मैं देखने वाला हूँ कि पाकिस्तान में कार्टून मूवी आ रही है और वो किस तरह का एनिमेशन उन्होंने, किस तरह का सीजीआई इफेक्ट वगैरह सब कुछ यूज़ किया है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी तो हेयर वी गो, 1 2 3 स्टार्ट। वाह यार, ये कहानी है कहीं दूर शुमाली इलाका में बसने वाले एक खुशहाल घर की। किसे मालूम था कि ये आसूदा घर, बहुत लाजवाब कार्टून बनाया है यार। खबर उस घनाने जल भोले की जाने रवा दवा है। थर्ड पार्ट था या 3D में थी पता नहीं। आओ चलो घर चले। नहीं मैं नहीं आऊंगी। क्यों? तुम बातें कर रही हो? हाँ तो लाजवाब इफेक्ट्स हैं यार। शिकारियों को रोकूंगा। शिकारियों के पास तो बंदूकें होंगी। शिकारी को हमारे घर का क्या रास्ता पता चल चुका। इंडिया में एक स्टोरी बहुत पॉपुलर है मोगली वाली, इसके जैसा ही लग रहा है मेरे को तो। देखा तो नहीं उसने? क्या उल्लू? देख लिया। आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? बंदा मारो जानवर मारो एक ही बात है, सब शिकारी है। उस शिकारी को छड़ी का दूध पिलाऊंगा, कोई भागेगा नहीं। छड़ी का दूध पिलाऊंगा, ये कहाँ का डायलॉग है ये? इंडिया में डायलॉग को बहुत बोला जाता है इसलिए मैं पूछा। शिकारी को पता नहीं कि उसका पाला किससे पाला। गजब क्या एनिमेशन यूज किया है यार। अल्लाहयार ओके। तो ट्रेलर देखा मैंने, और मैं अगर इस ट्रेलर की बात करूं तो मुझे सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत मैं क्योंकि मैंने बहुत सारी इंडिया की कार्टून्स मूवी देखी हुई है, लेकिन इसका जो मतलब ऐसा बोल ही नहीं सकते क्योंकि इंडिया में भी मैं लेवल वाइज जज करता हूं तो एक कार्टून होता है 2D, फिर 3D कार्टून होता है। ये 3D कार्टून था क्योंकि 2D मतलब इस तरह का नहीं होता। जैसे अगर आपने मोटू पतलू देखा हो तो उस टाइप का होता है 2D, 3D कार्टून था क्योंकि एक इफ़ेक्ट वगैरह इसमें बहुत अच्छे थे। ठीक है, 2D कार्टून ये होता है कि जैसे 2D कार्टून आप हमेशा फ्रंट से देख पाएंगे, जैसे मोटू पतलू आपने देखा होगा, लेकिन 3D कार्टून क्या होता है कि मतलब आपको पूरा ऐसे दिखाई देगा राउंड शेप में, मतलब कि अगर लड़का बॉय होगा तो वो पूरा आपको ऐसे दिखाई देगा कि उसके सर के पीछे आगे सब दिखाई देगा, लेकिन 2D होगा तो सिर्फ आप उसको फ्रंट से देख पाएंगे। तो 3D था ये और बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्टून, सही बताऊँ तो, क्योंकि इसके पीछे मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी लग रही है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी अगर इस छोटे छोटे बच्चों को अगर ये कार्टून दिखाया जाए, ये मूवी दिखाई जाए, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस मूवी को। ठीक है, और क्योंकि इस तरह की ही कार्टून लोगों को चाहिए होता है, बच्चों को चाहिए होता है, जंगल शेर है, मतलब एक एडवेंचरस टाइप है ये, कि एक लड़का बच्चा है छोटा सा और वो
मुझे तो मोगली का ही सीन याद आता है कि स्टोरी उस टाइप की लग रही है कि बच्चा जानवरों के साथ मतलब वहीं छूट जाता है, अपने माँ बाप से अलग हो जाता है और वहीं वो पैदा होता है, मतलब पैदा तो हो गया होता है लेकिन वहीं बड़ा होता है, परवरिश उन जानवरों के साथ साथ ही मिलती है और वो मतलब उन जानवरों के साथ रहता है, दूसरे जानवरों के साथ फाइट करना, वो सब चीज़ें इसके अंदर दिख रही है। तो बहुत मज़ा आया मुझे और ज़रूर मैं चाहूँगा कि इंडिया में भी लोग इस मूवी को ज़रूर देखें। तो अगर आप लोग को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और मुझे सजेस्ट करते रहिए, कहिए रहिए कमेंट में कि मैं कौन सी वीडियो नेक्स्ट बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी गाइस।